निराकार रूप में माता की यहाँ पर पूजा होती है। जो ये आकार जो है वो भ्रम है, माया है, मिथ्या है। अब हम पहुंचने वाले हैं गजना धाम। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। अभी हम डेहरी ओन सोन से जा रहे हैं गजना धाम, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, देवी का धाम है। लाखों लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, खासकर नवरात्र के दिनों में। और वहां पर एकमात्र ऐसा भारत में मंदिर है जहां पर निराकार देवी की पूजा होती है। मंदिर के अंदर कोई देवी देवता नहीं है, कोई मानवीय आकृति नहीं है। और ख़ास अकेजन है आज की, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं पवन सिंह, वो गजना धाम में माता का, देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरे अगल बगल आप देख रहे हैं गाड़ियों का पूरा काफिला है, और उसी काफिले में हम लोग भी चल रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। गजना धाम पहुँचेंगे और वहाँ पर देवी का दर्शन करेंगे, और पवन सिंह का क्या एक्टिविटी रहता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ हैं सत्या टीवी बिहार, ऐसे ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, अभिषेक नंदन, इसको प्यार से हम अभिनंदन बोलते हैं, आपका अभिनंदन है। और हमारे साथ हैं भारत पत्रिका। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज जो है पहली बार रैली में जा रहे हैं। रुके रुके, और हमारे साथ है भारत पत्रिका, क्या हाल है भारत पत्रिका साहब जी? बढ़िया बढ़िया, लग रहा है कि पहली बार रैली में जा रहे हैं किसी नेता का। अभी नेता तो नहीं कहेंगे क्योंकि पवन सिंह नेता बने नहीं है, लेकिन इनको बना देना है। लोग कह रहे हैं कि एक बार चांस इनको भी मिलना चाहिए, तो हम लोग भी जा रहे हैं। देखिए आगे गाड़ियों का काफिला है, और थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि हमेशा से भीड़ से अलग चलते हैं, आज भीड़ में चल रहे हैं। तो हम लोग इस बार जिता दिया जाए पवन सिंह को। अरे बिल्कुल, जिस तरीके से जनता का प्यार है, पवन सिंह को जिता देना चाहिए। इस बार तो लग रहा है। मैडम क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है। आप लोग सब कैसे हैं ये बताइए। फिलहाल तो सच में हम पहली बार किसी रैली में जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी किसी भी नेता या मुखिया मेरे गांव में भी होता था तभी भी हम नहीं जाते थे, लेकिन पहली बार पवन सिंह का रैली में जा रहे हैं, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि पवन सिंह जब गायकी की दुनिया में इतना अच्छा कर सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं भाई, एक बार चांस देना चाहिए। अच्छा, चांस देना चाहिए। और हम अपने बारे में बता दें कि हम भारत दर्शन ब्लॉगर के रूप में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी नेता के पीछे जाएंगे या रैली में जाएंगे, कितना भी बड़ा नेता क्यों हो, क्योंकि हम एक योगी हैं और योगी किसी के पीछे नहीं भागता है। लेकिन चूँकि जनमत अखाड़ा हमने न्यूज़ चैनल बना दिया, तो एक हमारे लिए एक अपरिहार्य हो जाता है कि हम जो है पब्लिक ओपिनियन करें और जो जनता की बातों को आप तक पहुँचाएँ, और नेता की बातों को भी आप तक पहुंचाएं, क्योंकि नेता ही जनता के वादों को पूरा करते हैं। चलिए सर अब रैली दिखाते हैं। ये देखिए, निकल जाइए। ये देखिए, यहाँ डेहरी ओन सोन से जो औरंगाबाद के लिए जीटी रोड है, उसमें पवन सिंह का काफिला जा रहा है, गाड़ियों का काफिला, एक से एक महंगी गाड़ियों का यहाँ पर काफिला है। और ये देखिए, यहाँ पर रास्ते में पवन सिंह का भव्य स्वागत। गांव में, हर गांव में भीड़ लगी हुई है जनता की, गाजे बाजे के साथ लोग जो है पवन सिंह का स्वागत कर रहे हैं। क्या नजारा है, पवन सिंह के लिए कितना सपोर्ट यहाँ पर नबीनगर विधानसभा में है, उसका एक नजारा आप देख रहे हैं। क्या नजारा है दोस्तों यहाँ पर, पवन सिंह को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोगों में गजब का उत्साह है। यहाँ पर नबीनगर विधानसभा में जिस तरह का पवन सिंह को लेकर के सपोर्ट है, जिस तरह का उत्साह है, वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है दोस्तों। इसी गाड़ी के पीछे पवन सिंह की गाड़ी है, उसके पीछे पांच छह गाड़ियां और हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं गजना धाम।
ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। और अभी हम यहाँ पर जो फेमस गजना धाम है माता का दर्शन करेंगे, और उसके पहले इसका रहस्य आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मानवीय आकृति नहीं है माता की, निराकार रूप में माता की यहाँ पर पूजा होती है, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा अनोखा है। ऐसा मंदिर आपको कहीं भी पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगा, शक्तिपीठ। आखिर इसका क्या रीजन है कि यहाँ पर निराकार माँ की पूजा होती है? निराकार ही यहाँ है, केवल चौतरा है माँ की, जो है वो चौतरा बनाया हुआ है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन के क्या बात है, वो तो देखने के चीज़ है। तो यहाँ पर रीजन ये है कि माता एक्चुअल में निराकार ही है, प्रकृति के मूलभूत जो तीन नेचर है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन नेचर से पूरे विश्व को संचालित करती है, वो महामाया है, मूल प्रकृति है। तो माया वास्तव में निराकार ही है, लेकिन चूँकि वो बुद्धि से अगम्य है, बुद्धि से अगोचर है मानव मन से, इसलिए उसको आकृति दी जाती है कि इंसान उसे समझ पाए, लेकिन एक्चुअल में माता निराकार ही है, और निराकार रूप में ही माता की शक्ति को समझना होगा। माता की शक्ति भी निराकार है और हम भी निराकार ही हैं। ये शरीर नश्वर है, अनित्य है, सब कुछ निराकार में ही समाया हुआ है। ये आकार जो है वो भ्रम है, माया है, मिथ्या है, यही इस मंदिर के जरिए दिखाया गया है, ये संदेश दिया गया है। अभी हम माता का दर्शन करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं माता का, खासकर शादी ब्याह के बाद या गाड़ी खरीदने के बाद। और यहाँ पर एक और अद्भुत चीज़ कि 125 ग्राम शुद्ध घी में 750 ग्राम आटा का रोट बनता है, ये अपने आप में अद्भुत है। क्या इसका रहस्य है? 125 जो आटा जो चढ़ता है वो मिट्टी का ही बर्तन में छनाता है, मिट्टी के बर्तन में छनाने के बाद वो आपको उसमें घी बचा ही रह जाएगा। उसमें जितना आपको यहाँ का प्रसाद है वो आटा जो छानिएगा उसके बाद इतना भी घी बचेगा, लेकिन बचा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर लोग माता को रोट चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और यहाँ पर चबूतरा एक बना हुआ है, ऊपर में छत्र है। ये प्रसाद चढ़ा हुआ है सामने, आप देख रहे हैं,
आप ठीक नहीं बात कर रहे, ठीक बात कर रही है।